हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, गुड़गांव के अंदर इस टाइम अगर हम एक स्मार्ट सिटी के तौर पे देखें या एक सब सिटी के तौर पे देखें तो 6 से 7 ऐसी सब सिटीज आती हैं गुड़गांव के अंदर जो डेवलप की जा रही हैं। देखिए, गुड़गांव जब डेवलपमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ऐसे कंसेप्ट बनाए गए थे। जैसे कि अगर मैं थोड़ी पुरानी डेवलपमेंट के अंदर जाऊं, सेक्टर 1 से 57 सेक्टर तक अगर गुड़गांव के देखो जाओगे तो यहाँ पे हुड्डा की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा आती है, जिसमें फ्लोटिंग टाउनशिप होती हैं, जैसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होती है जिसमें एक एक दो दो टावर होता है ज्यादातर, और जिनको हम CGS ग्रुप हाउसिंग भी बोलते हैं। और उस टाइम के ऊपर हुड्डा ने प्लॉट की टाउनशिप किया था। जैसे कि हर सेक्टर के अंदर आप देखोगे तो हुड्डा के प्लॉट है जिनमें आपके 60 यार्ड से लेके 500 यार्ड तक के आपको प्लॉट देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद जब डेवलपमेंट आई सेक्टर 58 से लेके 115 तक की जो डेवलपमेंट थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। तो जब न्यू डेवलपमेंट आई थी तो इसके अंदर इतने मेजर पार्ट के अंदर ये नहीं सोचा गया था कि गुड़गांव के अंदर सब सिटीज की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो गुड़गांव के अंदर आज जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस किसी डेवलपर के पास मेजर लैंड बैंक है तो वो अपनी एक सब सिटी वहां पे क्रिएट कर सकता है। यानी ज्यादातर डेवलपर देखोगे तो आपके किसी के 5 एकड़ में, किसी के 10 एकड़ के अंदर ही प्रोजेक्ट बन के रह जाते हैं, फिर वो कोई दूसरी जगह देख लेता है। यानी सब सिटीज का मतलब होता है कि किसी डेवलपर के पास कम से कम 50 एकड़ तक की लैंड होनी चाहिए जिसके अंदर वो अपनी खुद की एक सब सिटी क्रिएट कर सके। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे गोलकोस्ट रोड के ऊपर DLF Phase 5, वो गुड़गांव की एक अलग ही DLF की एक सब सिटीज है, क्योंकि वहां सिर्फ DLF की टाउनशिप है DLF Phase 5 के नाम से। दूसरी अगर हम बात करें तो उसके अंदर आ जाता है आपका IREO City जो सेक्टर 60 61 इस एरिया के अंदर आती है। यहाँ भी IREO के पास काफी मेजर लैंड बैंक है, तो इसको हम IREO City के नाम से भी जानते हैं। अभी बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट है IREO के पास है, IREO के पास काफी लैंड बैंक भी है जो उन्होंने फर्दर काफी डेवलपरों को सेल किया है इन्होंने अपनी लैंड को। उसके बाद अगर एक तीसरी सब सिटीज की अगर बात करें तो सेक्टर 74A 75A 76 77, ये जो DLF की है इसको हम Phase 6 भी बोल सकते हैं। यानी DLF Phase 6 के नाम से आप इस सिटीज को जान सकते हो, या DLF City भी इसका नाम दिया जा सकता है, जिसके अंदर साइबर सिटी 2 हो गई, जिसमें कमर्शियल सेक्टर 74A 75A, फिर रेजिडेंशियल सेक्टर 76 और 77A। यहाँ पे तकरीबन DLF की जो टाउनशिप है 500 से 600 एकड़ की लैंड बैंक यहाँ पे DLF के पास आती है। तो ये एक अपने आप में ही एक सब सिटी उभर के आएगी। आने वाले ये 10 साल के अंदर ये सिटीज आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से ये डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा हाईवे से दूसरी साइड जाते हैं तो क्रिसुमी सिटी जो कि एक जाना माना ब्रांड है, लेकिन जब गुड़गांव के अंदर आया था तो लोगों ने समझा था कि ये नया ब्रांड है, बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि हमने इसके क्रिसुमी के ऊपर है ना एक सीरीज भी बना रखी है, और हम प्लान कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो बदलाव किया गया है इस सिटीज के अंदर, तो इसकी हम सीरीज बनाने का हम प्लान करें। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आप इस सीरीज की ही आपको देखें। यहाँ पे हम 5 से 6 सीरीज इस क्रिसुमी सिटीज की भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फेस वाइज डेवलपमेंट है, तो फेस वाइज आपको चीजें बताएंगे, क्योंकि जब ये क्रिसुमी आया था, बेसिकली क्रिसुमी ना दो नामों से बना हुआ है, सुमिटोमो और कृष्णा ग्रुप मिलके ज्वाइंट वेंचर के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये ग्रुप आया था 2019 में, हमारा था प्लान था कि इसको हम जब सेल कर रहे थे तो लमसम 8,000 8,100 के ऊपर इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। आज वहां 15,000 से 16,000 रुपए की रिसेलिंग वैल्यू है, टाटा बना रहा है। ऐसे ही मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मतलब नए हैं और अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर उनके पास जो कॉन्ट्रैक्टर जो आपका प्रोजेक्ट को बनाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा जिस प्रोजेक्ट की, अगर वो एक ब्रांड है तो आप बेफिक्र होके जा सकते हो, क्योंकि कोई भी अपनी ब्रांड वैल्यू खराब नहीं करना चाहता। अगर वो किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को लेके आ रहा फिर सोचने वाली बात है। तो ये क्रिसुमी अपनी आप में एक है ना, वहां पे सिटी डेवलप कर रहा है। उसी के जड़ में अगर देखा जाए तो फिर एक ग्लोबल सिटी भी वहां पे बन रही है, ग्लोबल सिटी जो कि 1,000 एकड़ के अंदर आ रही है। तो ये भी एक सब सिटीज के अंदर आती है गुड़गांव की। यानी गुड़गांव गुड़गांव के अंदर ही छोटी छोटी सिटी डेवलप होना,
ये सब सिटी की एक नई डेवलपमेंट के अंदर आता है। उसके बाद देखा जाए तो बाई M3M के द्वारा सब सिटी तैयार की जा रही है द्वारका एक्सप्रेस वे सेक्टर 111 के और 113 के अंदर, यानी 111 और 113। ये एक स्मार्ट सिटी है जो डेवलप कर रहा है M3M। तो कुल मिला के यहाँ 5 से 6 ऐसी सिटीज है जो अभी बन रही है और कुछ ऐसी सिटीज उभर के आने वाली है। जैसे एस पी आर रोड के ऊपर भी एक छोटी सी सिटी उभर के आएगी जल्दी, उसका अनाउंस आपको करेंगे, उसका जिक्र भी करेंगे। और न्यू गुड़गांव के अंदर भी बहुत सारी सिटीज ऐसे डेवलप की जानी है अभी। तो दोस्तों डेवलपमेंट के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं और इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदल गए हैं। अगर आज भी आप ये नहीं सोचोगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो बेटर की जानी चाहिए, तो आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इस टाइम में हो सकता है आपके लिए भी कंफ्यूजन का थोड़ा सवाल पैदा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कहाँ बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में ना बहुत सारे फैक्टर वो चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर की पाइपलाइन चेक की जाती है, क्या मेजर डेवलपमेंट हो सकती है, क्या 1 साल के अंदर किस तरीके की रियल स्टेट मार्केट है वो चलने वाली है नहीं चलने वाली है, वो सारी चीजें चेक की जाती है। फिर उसके ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट ग्रो, आपका पोर्टफोलियो, आपका जो भी फंडिंग है उसको चेक किया जाता है। तो दोस्तों क्रीसुमी के ऊपर हम सीरीज रेडी करने वाले हैं और आपको बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट चीजें, हम जैसे कि अभी हमने लास्ट में एक कुछ पार्ट वीडियो के डाले थे कि गुड़गांव किस तरीके से डेवलप हुआ था 1970 से लेके और 2023 तक की, हमने यहाँ पे कुछ पार्ट है वो यहाँ आपके साथ शेयर किए थे। वो वीडियो जरूर देख लो क्योंकि आपको ये आइडिया होगा कि किस टाइम पे क्या किस तरीके की डेवलपमेंट हुई है। और हमने अपना दूसरा चैनल है उसको क्रिएट कर लिया है, वहां पे आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी वहां पे हम सीरीज गुड़गांव डेवलपमेंट की शुरू करने वाले हैं। वहां आपको गुड़गांव के हर सेक्टर्स के बारे में हम जानकारी देंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, आपको आप एक बार चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें वहां पे लर्निंग सीखने वाली आपको चीजें हैं वहां पे मिल सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना, हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जो कि मार्केट के अंदर अभी नहीं आए हैं लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो, बहुत अच्छे ऑप्शन है, तो मिलके आप डिस्कस कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो या हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है, हम व्हाट्सएप के ऊपर अपना चैनल भी है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको अपडेट है वो मिलती रहे रियल स्टेट की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्रीसुमी की सीरीज हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। तो क्रीसुमी में वैसे भी UI लेना शुरू कर दिया है, आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।